मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रख्या का पन्ना। दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा तालिबानियों ने किया, भक्त मंडली कीर्तन हिंदुस्तान में करने लगी। नहीं, सही बात करने जा रही हूं, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। वैसे भी कभी इलॉजिकल बात करने के लिए मैं आती नहीं हूं, क्योंकि फालतू का समय ना तो मेरे पास है और ना ही आपके पास होगा। दोस्तों, भक्त मंडली ने कहना शुरू कर दिया कि देखा, अगर हमने शेर नहीं पाला होता तो हिंदुस्तान भी अभी अफगानिस्तान बन जाता। हमारा शेर घुर्राता है, तालिबान थर्राता है। मुस्लिम लोगों के मुंह में माइक ठूसे जाने लगे कि बताओ तुम तालिबान के बारे में क्या सोचते हो, बताओ तालिबान को लेकर तुम्हारे विचार क्या हैं, भारत के मुसलमानों को तालिबान से क्या फायदा है या क्या नुकसान होगा, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन शेर के पाले हुए शेर यानी आदरणीय अडानी के पोर्ट से 9,000 करोड़ रुपए की तालिबानी हेरोइन पकड़ी गई है। कितने की, फिर से सुन लीजिए, 9,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है और ये ड्रग्स आई है अफगानिस्तान से। हाँ हाँ, तालिबानियों के अफगानिस्तान से। दोस्तों बताइए, एक तरफ अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर भक्त मंडली आफत काटे हुए थी, दूसरी तरफ 3,000 किलो तालिबानी ड्रग्स फूफा जी के पोर्ट पर उतर रही है। वैसा तो हुआ नहीं होगा कि अफगानिस्तान से चलकर कोई जहाज आ रहा है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, किसी की नजर तक नहीं पड़ी। इस समय अफगानिस्तान से आने वाली चींटी को भी नंगा करके जांचा जा रहा है, तो फिर पानी के जहाज पर लदा हुआ इतना बड़ा कंटेनर भारत की सीमा में आ गया और 3,000 किलो हेरोइन लेकर भारत की सीमा में घुस भी गया, है ना कमल। अरे घुसा तो घुसा, मोदी जी के गुजरात में अडानी साहब के पोर्ट पर उतर भी गया। कैसे, क्यों? भारतीय मीडिया यह खबर पुदीन हरा की तरह घोल कर पी गया है। बोल नहीं रहा है, केवल नकार ले रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कांड के बाद अब ड्रग्स या हीरोइन हाजमा दुरुस्त करने वाला चूरन घोषित कर दिया जाएगा। मैं याद करवाऊंगी, याद कीजिए, सुशांत केस में यही मीडिया वाले दिन रात 24 घंटे ड्रग्स 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 चिल्लाते रहते थे, जैसे भारत पर ड्रग्स बम का हमला हो गया हो। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। दीपिका चरसी है, फलानी गंजेड़ी है, ढिमकानी ये है, रिया हुकेड़ी है, एक एक ग्राम ड्रग्स पर नंगा नाच करने वाले फूफा जी के पोर्ट पर उतरी 3,000 किलो तालिबानी ड्रग्स मुंह में ताला लगा कर बैठे हैं। अब आगे आने वाली नस्लों को नहीं बचाना है क्या, या ड्रग्स लीगल हो गई है? क्यों भैया, कुछ दिन पहले ड्रग्स के लिए कैमरा लेकर मुंबई में लोगों के घरों में घुसे जा रहे थे, तालिबानी सबको मारे पीटे दे रहे थे, लोग जहाज से लटक लटक करके भी तालिबान से नहीं भाग पा रहे थे। लेकिन 9,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स तालिबान से खिसकते हुए सरकते हुए चुपचाप गुजरात आ गई। नहीं नहीं, 3,000 किलो हेरोइन में कोई पहिए थोड़ी ना लगे थे। ना ही इसलिए आ गई होगी कि भैया अफगानिस्तान में पेट्रोल सस्ता है, इसलिए वो सोच रही होगी कि सस्ते तेल और खाली समय का लाभ उठाकर थोड़ा भारत के गुजरात राज्य में अडानी जी के पोर्ट पर छुट्टी मना लिया जाए। गुजरात के कच्छ के मुद्रा पोर्ट पर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की स्मगलिंग इतिहास में पहली बार हुई है। 2 कंटेनर से करीब 3,000 किलो हेरोइन जब्त हुई है। यह हेरोइन अफगानिस्तान से इंपोर्ट करके लाई गई थी। कोई पूछ रहा था तो बता रहे थे टेलकम पाउडर लाए हैं। तालिबानी ससुरे अफगानिस्तान में पाउडर लगाते नहीं है, वो बहुत गंदीले हैं, इसलिए पाउडर भारत ले आए हैं। अजी अफगानिस्तान में आदमी तो आदमी खुशबू भी नहीं रहना चाहती, इसीलिए भारत ले आए हैं कि आप ही लोग इस्तेमाल करो। और जब चेक हुआ तब क्या हुआ, तब चेक हुआ कि पाउडर की आड़ में ड्रग्स लाई गई है। 2 लोग पकड़े भी गए हैं। मामला देश के बड़े मामा के पोर्ट का है। अडानी जी के पोर्ट पर युवाओं को बर्बाद करने वाला जहर पकड़ा गया है, तो गोदी मीडिया ने मुंह में टेप मार लिया है। हो सकता है कि जब मुंह से टेप हटाएं तो ये भी बताएं कि दरअसल वो हेरोइन दवाई बनाने के लिए लाई गई थी। 21वीं सदी में इस ड्रग से मानव कल्याण किया जाएगा। भाई आज के लिए इतना ही। खैर अच्छा रुकिएगा, जिस मुद्रा पोर्ट पर ये 9,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है वो पोर्ट गौतम अडानी की कंपनी का है। इसका मालिकाना हक अडानी पोर्ट के पास है। अडानी पोर्ट गौतम अडानी की कंपनी है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी GRI और कस्टम के ऑपरेशन में हेरोइन की बरामदगी हुई है, जिसे जब्त कर लिया गया है। हेरोइन ले जाने वाले कंटेनर्स को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लाया गया था। और बता दें, अफगानिस्तान की जिस कंपनी ने ये ड्रग्स भेजी है उस कंपनी का नाम हसन हुसैन लिमिटेड है। दोस्तों, इस ड्रग्स से भारत को उतना खतरा नहीं है जितना धर्म की अफीम से है। शायद ही बात भारत का मीडिया भी जानता है, इसीलिए 9,000 करोड़ की अफगानिस्तानी ड्रग्स पर बिल्कुल चुपचाप है। और तालिबानी उत्पाद पर भारत के मुसलमानों के मुंह में माइक डालकर 24 घंटे के चैनल पर 12-12 घंटे तांडव करता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा ताकि सच्ची जानकारी लोगों तक पहुंचती रहे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।